नमस्कार दोस्तों, नित्यम आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चरक सूत्र स्थान 6 को देखेंगे। तो ऋतुचर्या का वर्णन चरक ने इस चैप्टर में किया है। चैप्टर का नाम है तस्य क्षितीय अध्याय। तो सभी आचार्यों ने अपने सूत्र स्थान के छठे अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया हुआ है, सिवाय अष्टांग संग्रह के। अष्टांग संग्रह ने सूत्र 4 में ऋतुचर्या का वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक संवत्सर, एक संवत्सर में कितनी ऋतुएँ होती हैं? 6। ये आप याद रखेंगे कि एक संवत्सर में 6 ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से ऋतुओं का विभाजन और उसमें कौन कौन से महीने और कौन कौन से रस का प्रधानता रहती है। तो एक आप सीक्वेंस याद करेंगे ऋतुओं का, कॉमन सा सीक्वेंस है, सभी जगह ये चलेगा। आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसका पहला पहला अक्षर उठा लीजिए आप, शी, ब, ग्री, व, श, हे। तो इसका कोड बन जाएगा आपके पास शिब, क्रीव, शहे। तो शिब से शिशिर बसंत, ग्रीव से ग्रीष्म वर्षा और शहे से शरद हेमंत। तो शिशिर बसंत में कौन से महीनों की प्रधानता होती है? माघ और फाल्गुन महीने होते हैं शिशिर के। बसंत के चैत्र वैशाख, ग्रीष्म के ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा के श्रावण भाद्रपद, शरद के अश्विन कार्तिक और हेमंत के मार्गशीर्ष पौष। इनको देसी महीने भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे सीक्वेंस में ही। माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। आप घर पे अपने कैलेंडर पर देखेंगे, उस पर भी यही महीने लिखे होते हैं। अब यहाँ पर सुश्रुत ने माघ फाल्गुन के साथ साथ एक अलग से महीने भी बताए हैं जिनका उसने नाम दिया है, जैसे शिशिर में तप तपस्या, बसंत में मधु माधव, ग्रीष्म में शुचि शुक्र, वर्षा में नभ नभस्य। इसी सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए, तप तपस्या, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज और सह सहस्य। तो ये आपको दो याद रखने हैं, ये सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ पर कौन से रस की प्रधानता होती है? तो शिशिर में तिक्त, बसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु और अमल, लवण, मधुर, ये रस प्रधान होते हैं इन ऋतुओं में। अच्छा, अब यहाँ पर अदान काल और विसर्ग काल का कॉन्सेप्ट भी आता है। अदान काल कौन सा होता है? अदान काल है प्रथम की 3 ऋतुएँ, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। ये जो 3 ऋतुएँ हैं ये अदान काल की ऋतुएँ हैं। शिशिर से अदान काल शुरू होगा और ग्रीष्म में समाप्त हो जाएगा। विसर्ग काल जो वर्षा से शुरू होगा और हेमंत पर समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 ऋतुएँ विसर्ग काल की हैं। यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि अदान काल के शुरू में श्रेष्ठ होता है बल और विसर्ग काल के अंत में भी श्रेष्ठ होता है बल। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, अंत में श्रेष्ठ श्रेष्ठ, मध्य में मध्यम मध्यम और ये जो बच गया इसमें हीन हीन बल। तो किस ऋतु में श्रेष्ठ बल होगा? शिशिर और हेमंत में। किस में मध्यम होगा? बसंत और शरद में। और किस में हीन होगा? ग्रीष्म और वर्षा में। तो ये बल का कॉन्सेप्ट है, अदान काल, विसर्ग काल। अदान काल के पर्याय एक उत्तरायण काल भी होता है और विसर्ग काल का दक्षिणायन काल भी होता है। ये हो गया आपका स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से ऋतुओं का विभाजन। अब हम आगे देखेंगे शोधन की दृष्टि से ऋतुओं का विभाजन। तो यहाँ पर है शोधन की दृष्टि से, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस ऋतुओं का अलग है। सीक्वेंस वही रहेगा, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। लेकिन संशोधन के अनुसार अगर ऋतुएं लिखनी है हमने, तो उसमें हम शिशिर को नहीं मानेंगे। तो शिशिर के बाद हम वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे जैसा पहले लिखी हमने। शिशिर को छोड़ दिया तो बसंत, देन ग्रीष्म, देन वर्षा, देन शरद और हेमंत। यहाँ पर ग्रीष्म और वर्षा के बीच में एक ऋतु और डाल दी हमने, उसका नाम है प्रावृत। तो ये सीक्वेंस ऐसे बन गया, शिशिर को हटा दिया, बसंत, ग्रीष्म और ग्रीष्म वर्षा के बीच में प्रावृत, बाकी सेम वर्षा, शरद, हेमंत वैसे ही रहा। अब यहाँ पर जो पहले हमने महीने देखे थे माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, अब यहाँ पर उसी चार्ट से आपके ये वाले मंथ भी निकल जाएंगे। तो वो चार्ट कैसे है? जैसे बसंत में चैत्र और वैशाख हमने रखे थे, तो यहाँ पर जो बसंत है इसमें हमने बसंत से पहले एक जो फाल्गुन बताया है उसको ले लेंगे और एक चैत्र। तो फाल्गुन चैत्र आ जाएगा बसंत में। ग्रीष्म में कौन सा आएगा? जो बसंत का एक रह गया वैशाख और ग्रीष्म का पहला ज्येष्ठ। तो फाल्गुन चैत्र, वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण, भाद्रपद अश्विन, कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष और मेघ, ये उसी चार्ट से निकल जाएंगे आपके। ये कौन से महीने? आपको पुराने वाला चार्ट का सीक्वेंस याद रखना है बस। अब यहाँ पर जैसे पुराने चार्ट में हमने फाल्गुन के सामने देखा था कौन से वाला महीना था, तपस्या,
और चैत्र के सामने मधु, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया है। फाल्गुन के सामने तपस्या और चैत्र के सामने मधु, ये भी उसी चार्ट से आपका सीक्वेंस निकल जाएगा ये दोनों का। ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, उस एक चार्ट को समझ लीजिए, उसी से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर शरणधर ने इन ऋतुओं में कौन सी राशि की प्रधानता होती है वो भी बताया है, ये आपने याद रखना है। इसके लिए कोड नीचे दिया हुआ है, इसको आप कैसे याद करेंगे ये मैं कोड से आपको बता देता हूँ। तो बसंत में कुंभ बनाओ, बसंत में कुंभ बनाओ, ग्रीष्म में मेघ बरसे, प्रावृट में मिथुन कड़के, कुमारी वर्षा सिंह, शरद ने वृश्चिक को तोला, हेम का धन ग्रहण करो। तो यहाँ पर बसंत में कुंभ बनाओ, बसंत में से मीन और कुंभ से कुंभ राशि, तो कुंभ और मीन यहाँ से आ गया। ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु में मेघ, मेघ से मेष और कड़ बरसे से वृष, यहाँ से निकल गया। प्रावृट में मिथुन कड़के, मिथुन से मिथुन और कड़के से कर्क, मिथुन और कर्क। कुमारी वर्षा सिंह, वर्षा ऋतु होगी और कुमारी से कन्या और सिंह से सिंह राशि। शरद ने वृश्चिक को तोला, तो शरद में वृश्चिक और तुला। हेम का धन ग्रहण करो, हेम से हेमंत, धन से धनु राशि और ग्रहण से ग्रहण, और इसको मकर भी कहते हैं। तो ये आपका इस कोड से निकल जाएगा सारा, राशियां कैसे कैसे किस किस ऋतु में प्रधान रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर, किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है, किस ऋतु में प्रकोप होगा और किस में इसका शमन होता है अलग अलग आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चार्ट में ऐसे लिख लेंगे, वात पित्त कफ एक तरफ और संचय प्रकोप प्रसर एक तरफ। अब संचय प्रकोप प्रसर हमने लिख दिया, तो वात का आपने प्रकोप याद रखना है, वात का वर्षा में, वात वी से वात है, वी से वर्षा है, वर्षा है, बसंत से कन्फ्यूज़ नहीं करना, बसंत में कफ का प्रकोप होगा। तो वात का प्रकोप कब होता है, वर्षा में, पित्त का कब होता है, शरद में, कफ का कब होता है, बसंत में। इनमें से कोई भी आप एक याद रख लीजिए, चाहे संचय की तीन ऋतुएं या प्रकोप की तीन या प्रसर की तीन, बाकी निकल जाएंगी। तो आप वात के प्रकोप की ऋतुएं याद रखिए वर्षा, पित्त के प्रकोप की शरद और कफ के प्रकोप की बसंत। अब वर्षा से पहले कौन सी ऋतु है, उस वाले कोड के अनुसार शिब ग्रीव शहे के अनुसार, तो शिब ग्रीव वर्षा से पहले आती है ग्रीष्म और वर्षा के बाद आती है शरद, वैसे ही शरद से पहले आती है वर्षा और बाद में हेमंत, बसंत से पहले शिशिर और बाद में ग्रीष्म। तो ये सीक्वेंस आपका उसी से निकल जा रहा है, प्रकोप आपने याद रख लिया और उसके बाद एक ऋतु पहले की संचय में और एक ऋतु बाद की प्रसर में डाल दी, तो ये निकल गया आपका वात का संचय, प्रकोप और प्रसर, पित्त का भी वैसे ही शिब ग्रीव शहे वाले कोड से। अब यहाँ पे भिन्नता क्या है, आचार्य शारंगधर ने वात का प्रकोप वर्षा में न बताकर प्रावृट में बताया है, ये आपने याद रखना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अब मुझे भूल रहा है कि कौन सा था, लेकिन शारंगधर के अनुसार पूछा गया था कि वात का हो सकता है प्रकोप हो या पित्त का प्रसर हो। तो वैसे पित्त के प्रसर में शारंगधर ने हेमंत की जगह बसंत बताया है और कफ के प्रसर में ग्रीष्म की जगह प्रावृट बताया है, ये आपने तीन याद रखना है, बाकी आपका उसी कोड से निकल जाएगा शिव ग्रीव शहे से। नेक्स्ट हम देखेंगे दोषों का निर्हरण, दोषों का किस ऋतु में दोषों का शोधन करना चाहिए, तो शोधन दोषों का तभी किया जाता है जब वो प्रकोप अवस्था में हो। तो वैसे ही वात पित्त कफ आपने लिखा और प्रकोप आपको पहले ही बताया था, आपने याद रखना है वर्षा वात का, पित्त का शरद और कफ का बसंत, तो इन्हीं ऋतुओं में इनका निहरण भी करना चाहिए। शरंगधर ने किस में बताया है, तो शरंगधर का आपको पहले बताया कि शरंगधर ने वर्षा की जगह प्रावृट माना है और शरद तो शरद ही माना है और बसंत बसंती माना है, तो शरंगधर का इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर महीनों की बात है कि जो हमारे पहले माघ फाल्गुन आदि महीने थे उनमें से वात पित्त कफ के लिए कौन से महीने बेस्ट हैं दोषों के निहरण या शोधन करने के लिए, तो वात का श्रावण में, पित्त का अगहन में और कफ का चैत्र में, ये आपने याद रखना है। वाग्भट ने अगहन में न बताकर कार्तिक में बताया है पित्त का शोधन। यहाँ पर ये दूसरे वाले मंथ के हिसाब से भी आपने याद रखना है, नभ सह मधु, ये आपको ऐसे याद रखना, नभ के साथ मधु है, तो नभ वात के साथ, पित्त सह और कफ मधु, इस महीने में इनका निहरण करना चाहिए। साधारण ऋतुएं कौन सी होती हैं, प्रावृट बसंत और शरद, इन तीन ऋतुओं को साधारण ऋतुएं कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है अगला, कि दिन के किस समय में कौन से दोष की प्रधानता रहती है,
चार्ट को ध्यान से देखिएगा, इसी से क्लियर हो जाएगा, इसी से आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सीक्वेंस में ऋतुएं लिख देंगे जो आपको शोधन की दृष्टि से सीक्वेंस बताया था मैंने पहले, बसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृत्त, और शरद और हेमंत, ये सीक्वेंस है शोधन के लिए ऋतुओं का। जो स्वस्थ वृत्त के अनुसार है वो अलग है, शिव ग्रीव शही है, और ये शोधन के अनुसार है बसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृत्त, और शरद और हेमंत। अब आप ऊपर से शुरू हो जाएंगे दिन के शुरू वाले काल से, तो स्टार्ट दिन का जो प्रारंभ वाला समय होता है उसको हम पूर्वाह्न कहते हैं। मध्याह्न हो गया दोपहर का समय, अपराह्न हो गया शाम का समय, और वैसे ही रात्रि का प्रदोष, रात्रि के शुरुआत का समय मध्य रात्रि, रात्रि की मध्य, और प्रत्युष सुबह जैसे का समय। अब दोष आप ऐसे लिख देंगे, वात पित्त कफ, नीचे से शुरू करेंगे, वात पित्त कफ, फिर वात पित्त कफ, ठीक है। तो ये हो गया हेमंत में वात की प्रधानता, शरद में पित्त की, वर्षा में कफ की, वैसे ही प्रत्युष मध्य रात्रि प्रदोष में क्रमशः वात और पित्त और कफ की, और बाकी जो बचा अपराह्न मध्याह्न पूर्वाह्न में वात पित्त कफ की प्रधानता रहती है। यहाँ पे शरणधर ने एक अलग से बताया हुआ है कि वर्षा ऋतु में या प्रदोष काल में कफ की प्रधानता न होकर वात की प्रधानता रहती है, इसको आप अलग से याद रखेंगे। बाकी आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब अलग अलग ऋतुओं में उनका वर्जित आहार विहार और जो सेवन जिन जिन द्रव्यों का करना चाहिए वो। तो हेमंत ऋतु में श्लोक नंबर 9 है, इसमें शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। ये आपने पहली वाली लाइन याद रखनी है, शीते शीत अनिल संस्पर्श रुद्धो बलिनाम बलि, ये निम्न में से किस ऋतु के संदर्भ में कही गई है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, हेमंत शिशिर शरद, तो आपने आंसर लगाना है हेमंत। श्लोक का अर्थ आप चरक संहिता के 9 नंबर श्लोक में देख सकते हैं। अब श्लोक नंबर 10, रसम हिनस्त्यो वायु शीता शीते प्रकुप्यति, ये भी ऐसे डायरेक्ट आपको लाइन रख दी जाएगी और उसकी ऑप्शन में ऋतुएं 4 होंगी, आपको सेलेक्ट करना है कि किस ऋतु के संदर्भ में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब हेमंत ऋतु में अग्नि बहुत बढ़ जाती है तो वो अग्नि रस धातु का ही नाश करने लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11, 12 और 13 नंबर श्लोक, इसमें कौन सा आहार सेवन करना चाहिए वो बताया हुआ है। तो औदक अनूप मास आपने याद रखना है, बिलेश्य मास, बिल में रहने वाले जीवों का मांस रस खाना चाहिए, नया अन्न खाना चाहिए, और उष्ण तोय उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। बिहार में जेंताक स्वेद क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ये, कि जेंताक स्वेद का वर्णन किस ऋतु में बताया गया है, तो हेमंत। श्लोक नंबर 14 से 17 के बीच में विहार में बताया गया है कि और क्या विहार होना चाहिए, ये लाइन आपने याद रखनी, गुरु उष्णवासा दिग्दांगो गुरुणा अगुरुणा सदा, यह हेमंत ऋतु के लिए। अलिंग्याद गुरु दिग्दांगी सुप्त्यात स मदमंथ प्रकामम च निषेवते मैथुनम शिशिरागमे, ये है शिशिर ऋतु के विहार में। वर्जित क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये पहली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्जित अन्न पानानी वातलानी लघुनी च, यहाँ पे आपने याद रखना है इस लाइन को, वर्जेत अन्न पानानी वातलानी लघुनी च, ये किसके लिए है, हेमंत ऋतु में वर्जित आहार विहार के लिए। और यहाँ पे एक और आपने शिशिर ऋतु में कौन, वर्जित में भी सेम सेम लाइन आई हुई है, तो उसमें लिखा है कटु तिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी च, और यहाँ हेमंत में था वर्जेत अन्न पानानी वातलानी लघुनी च। तो आपने इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंस है, एक शिशिर की है और एक हेमंत की है, जिसमें कटुतिक्त कषाय है वो शिशिर की, और जिसमें कटुतिक्त कषाय नहीं है वो हेमंत ऋतु की, वर्जित आहार विहार में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिशिर ऋतु, तो शिशिर ऋतु में श्लोक नंबर 19 है आपका, उसमें बताया हुआ है कि रौक्ष्यम आदानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम, ये किसके लिए है, शिशिर ऋतु के लिए। और श्लोक नंबर 20 में निवातम उष्णम तो अधिकम शिशिरे गृहम आश्रयत, कि निवात रहित स्थान उष्ण इसमें जगह पर रहना चाहिए शिशिर ऋतु में। नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी ऋतुएं हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप पढ़िए, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।